Like people get really, people get really डिस्टर्ब विद इट. नवीद जी, हमने अभी इस पे पूरी डिस्कशन की है, top 10 रेप विक्टिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड अभी हमने कर ली है, मगर फिर आप मर्द हमें बताएंगे हमारे लिए कौन सी जगह सही है. मेरी ये बात नहीं समझ में आती भाई. मेरे को बताओ गुलजार, मुझको ये बताओ कि मर्द को कैसे पता कि हमारे लिए कौन सी जगह सेफ है. जब तक एक मर्द जो हमारे पास औजार है ना, जिसके लिए हमें हमेशा से विक्टिम बना के रखते हो, हमारे जो टांगों के बीच में है, आप पहले अपनी सर्जरी करवाइए और पहले अपने टांगों के बीच में वो लगाइए, फिर आप दो संतरे लगाइए या आप अपनी ब्रेस्ट लगवाएं, एक लड़की या औरत बने, फिर आप निकले अपने मुआशरे में. जब तक आप अपने मुआशरे में लड़की बन के बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक ठीक है तुमको वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो आप हमको कैसे आके बताते हो? जी, नवीद भाई का आप दोबारा लगाएं, इसका जवाब देना जरूरी है, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती है। देखें नवीद भाई, वी रियली लव यू, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन देखें कहीं कहीं आपने जो बोला ना 10 10 टॉप कंट्रीज जहां ज्यादती होती हैं, मैंने निकाल लिया है, उसमें साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है, लेसोथो है, स्विट्जरलैंड, बरमूदा, सॉरी फॉर माई प्रोनंसिएशन, जैसे मैं अक्सर लफ्ज फिसल जाते हैं, बरमूदा है, स्वीडन है, ठीक है। अब आप जो घरों में लाखों शादीशुदा जोड़े, वो मुसलमान फैमिली हो चाहे वो हिंदू फैमिली हो, वहां बगैर कंसेंट के औरत के साथ मर्द डिंग डोंग करता है, क्या वो ज्यादती के जमरे में नहीं आता, ना वो रिपोर्ट होता है? एक तो ये बात हो गई। वेस्ट में ऐसा नहीं, अगर वेस्ट में मर्द बगैर मर्जी के बीवी के करीब जाएगा तो वो ज्यादती कहलाती है, ज्यादती का वर्ड आपने जो लिखा हुआ है। तो एक तो आपका ये जो बात है टोटली इस लिहाज से मिसमैच हो जाती है कि करोड़ों ऐसे घर हैं पाकिस्तान इंडिया में जहां ये लफ्ज जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये घरों में होता है मियाँ बीवी के दरमियान। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात का जवाब, फर्ज करें हम मानते हैं कि 10 टॉप कंट्रीज सारे, फर्ज करें यूरोप में हो या फिर क्रिश्चियन कंट्रीज हो, लेकिन लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं जो सुल्तान और महलिज ने इस पर रोशनी डाली। ये भी तो देखें ना कि वो अगर वहां ज्यादा ज्यादती हो रही है तो उसमें इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व हैं या लोकल लोग हैं। नंबर 2 रीजन। नंबर 3 रीजन पे आ जाएं, नंबर 3 रीजन पे आ जाएं, याद रखिएगा नवीद भाई, कभी भी जो जुर्म का रेट होता है ना, इसका RAPE आप बोल रहे हैं ज्यादती का, इसको मैच कभी नहीं कर सकते यूरोप से और एशियन कंट्री से, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती। पाकिस्तान में अगर 10,000 लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है तो मुश्किल से 50 रिपोर्ट होंगे, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर वेस्ट कंट्री में 10,000 ज्यादतियां हुई तो 9,000 रिपोर्ट होंगे। इसका मतलब रिपोर्टिंग का चक्कर है, कंपेयर मत एक करें। और इसमें एक मैं मैं पॉइंट एक ऐड हाँ करती एक दो हूँ. पॉइंट हाँ फिर एक दो पॉइंट तो आपका ये जो मैंने सीखा है यही कि कभी भी जो ये इंसिडेंट्स होते हैं ना RAPE के, ज्यादती के, इसको कभी मैच मत कीजिएगा, क्योंकि एक रिपोर्टिंग का चक्कर है। क्योंकि यहाँ पे तो लड़कियां रिपोर्ट करती हैं वैस की, इससे पैसा देती है गवर्नमेंट, वो चाहती हैं कि वो रिपोर्ट करें, ये नहीं चाहती कि उनके साथ ज्यादती हो, ये मत समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ वो रिपोर्ट करेंगी विलिंगली। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। लास्ट पॉइंट के हम, मैं कभी भी कंट्रीज को ना क्राइम रेट पे नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि मैं देखूंगा वहां पे इंसाफ ना मिल रहा है नहीं होती है मिल रहा, रिपोर्ट. ये बेकार बात है। क्राइम रेट इज लेस देन इंसाफ रेट। जी माली, सॉरी। यहाँ पर अगर आप इन चीजों पे देख रहे हो ना कि वो जिनसी ज्यादती पे है या वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पर, मैंने जैसे आपसे बात की थी कि यहाँ पर अगर आपको कोई हाथ भी गलती से लगा देना गंदे तरीके से, तो वो रिपोर्ट हो जाता है एज अ सेक्सुअल ऑफेंस. अब पाकिस्तान या इंडिया में बसों में कितनी लड़कियों को धक्के पड़ते हैं, कितनी लड़कियों को पीछे से उंगली करी जाती है, जुमा बाजार चले जाओ, संडे बाजार चले जाओ, वो तो किसी खाते में नहीं आती है वो चीजें. तो यहाँ पर उनको भी रिपोर्ट किया जाता है. अब आप खुद ही देख लो कि वो चीजें ऐड होकर तो नंबर्स तो आपको बड़े लगेंगे ना. तो आप लोगों के वहां पे रिपोर्ट नहीं होती है. मगर फिर वही मैं बात आपको, मेरा सबसे, अगर आपने मालूम करना है कि औरत कहाँ सेफ है, मैं कहती हूं एक दिन औरत का हुलिया बदलो और सड़क पे निकलो. बस जब तक आप ये नहीं करोगे ना, एक मर्द होकर पाकिस्तान में रहना इज अ प्रिविलेज, इज अ प्रिविलेज. आप मर्द होकर रह रहे हो वहां पर, आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट है. आप वहां औरतों के रहोगे, आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट है.
आप अपनी औरतों से पूछो, आप अपने घर की औरतों से पूछे एक दिन बैठकर कि मुझे आप बताओ क्या आपको कभी किसी ने हाथ लगाया है बुरे तरीके से, क्या किसी ने आप पे आवाज कसी है, या किसी ने आपको ताने मारे हैं, या मुझे याद है मेरी मम्मी बताती थी कि कॉलेज के आगे लड़के खड़े होकर ना अपना डिंग डोंग निकाल के अपने आप को जर्क ऑफ कर रहे होते थे। तो ऐसे इंसिडेंट्स वहां पे बहुत होते हैं, आप अपनी औरतों से पूछें। और अगर आपकी औरत नहीं बता रही है ना आपको, क्योंकि आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कर दिया है कि औरत शर्म के मारे वो आपको बताती भी नहीं है कि उसके साथ ये हरकत हुई है। शर्म के मारे लड़कियां कुछ बताती नहीं है। हमारे साथ जब हुआ, जब मैं छोटी थी तो मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद ही शर्म आ गई कि है कि मैं ही ट्रबल में ना आ जाऊं, कि मुझ मेरे पे ही नहीं। अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें जो मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सबूत नहीं है तो लोगों ने मेरी ही कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है। उस बंदे को कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना उस बंदे को। लोग कहेंगे तुम्हारे पास तो प्रूफ ही नहीं है, तुम तो छोटे कपड़े पहनती हो, तुम तो ऑलरेडी पता नहीं कितनों के साथ सो चुकी हो। तो यदि दीज आर द एक्सक्यूजेस दीज मेन विल मेक, डू यू अंडरस्टैंड ना? तो बिल्कुल औरतें क्यों आएंगी फिर आगे? एक बंदी जो ऑलरेडी वो समझ गई है। अब आप, मैंने आपको भी आपको एग्जाम्पल दी है नूर की, नूर मगर उसके बंदी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, मगर लोगों को वो नहीं दिख रहा। वो ये सोच में बैठे हैं वो उसके कमरे में अकेले करने क्या गई थी। और ये जो आई टॉप अंडरस्टैंड टेन दिस। कंट्रीज लिखा है ना नवीद भाई ने, फर्ज करे अगर मेरी बहन के साथ ज्यादती हो जाती क्या हमारे घर वाले जाने देते थाने में? कभी भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि गए तो पुलिस वाले तंग करेंगे और शादी का मसला हो जाता है लड़कियों के यार। तो ये डेटा बिल्कुल बेकार है कंपेयर करना। हाय नवीद जी, क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जी सब ठीक वालेकुम ठाक सलाम। है? अच्छा, हेलो सर। मैंने जो आप लोगों को एक कमेंट भेजा था, मेरा मकसद कहने का ये था कि मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि पाकिस्तान को आप नंबर वन पे कर दें, इंडिया को चले नंबर टू पे कर दें, मैं खुले दिल से कहता हूँ। और बाकी जो 10 लिस्ट थी कंट्रीज की जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में रेप होते हैं, अगर तो ये लड़का और लड़की को दूर रखने की वजह से होते हैं जैसा कि विशाल साहब बात कर रहे थे, और उनको दबा के रखने के होते हैं, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ क्यों होते हैं। और जो साउथ अफ्रीका नंबर वन के ऊपर है, वहाँ पे पूरी रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं वो रेप करते हैं, अमेरिका के अंदर जो है वो वाइट पीपल जो हैं वो रेप करते हैं। तो ये चलें, आपने जिनसी ज्यादती की बात की, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इसको जिनसी ज्यादती ही कहते हैं। तो फिर जैसे एशिया के अंदर पूरा यूएई है, वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, उनको बड़ी खुली इजाज़त है आने की, वहाँ पे रेप नहीं होता, चाइना में नहीं होता, जापान में नहीं होता, वियतनाम में नहीं होता, कंबोडिया में नहीं होता, ऐसे में बहुत सी कंट्रीज का नाम ले सकता हूँ। मेरा सर सिर्फ आपसे नहीं क्वेश्चन होता, ये वहां पे है, भी है चाइना में भी चाइना होता का है, नाम चाइना नदी एक मिनट एक का एक होता मिनट है। सर जी प्लीज, ओके अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर आपकी बात मैं जरूर सुनूंगा। मैं ये ओके कहना ओके चाहता हूँ कि चले उनकी परसेंटेज कम कर लेते हैं, उस परसेंटेज पे ले आते हैं जो के टॉप 20 के अंदर नहीं आती, यूं कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं, जो पहले नंबर पे पाकिस्तान हो गया, दूसरे पे इंडिया हो गया बकौल आपके, क्योंकि उसमें रिपोर्ट नहीं होते, तो बाकी जो कंट्रीज जो अमेरिका नंबर 3 के ऊपर है, तो ये वहां पे क्यों होते हैं? वहां पे तो लोग लड़कियों को हर माहौल में देखते हैं, हर किस्म के लिबास में देखते हैं, सब कुछ होता है, सब आजादी है। तो ये मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूँ। इस पे सबसे पहले तो नवीद साहब, इसमें बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक कल्चर से भी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का है। ठीक है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में इन्फ्लुएंसेस चलेंगे, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अपने विक्टिम्स को फेल करेगा, आप ये बताइए कि एक बच्ची के साथ अगर ज्यादती होती है, खुले दिल से आप बताइएगा, इंडिया पाकिस्तान दोनों की मैं ये मिसाल दूंगी, मेरे नजर अब 19-20 का ही फर्क रहेगा। अगर एक बच्ची 16 साल 17 साल की, आप फर्ज कीजिए उसके साथ ज्यादती होती है, क्या वो अकेले थाने जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है? वो अपने आप को महफूज फील करेगी वहां जाते हुए? सुल्तान सलातीन, मैंने तो बोल दिया ना, पहले नंबर पे पाकिस्तान हो गया, दूसरे पे इंडिया हो गया, मैंने आपकी बात नहीं मान नहीं ली। मैं आप मैं मैं बात सिर्फ करूं जो वो बाकी वजाहत कर 10 कंट्रीज हैं, बाकी दस बिल्कुल मैं कंट्रीज में तो वजाहत पूरी कर रही इजाजत है। वो मैंने मैं इनकी वजाहत इनको कर रही हूँ मैंने सर। फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मैंने आपकी बात 100% मान ली,
बल्कि मान क्या ली, हकीकत है। मैं आपकी बात के ऊपर झूठ नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान के अंदर कोई लड़की अकेले थाने नहीं जा सकती, बल्कि पता नहीं थाने में जाए तो उसका रेप हो जाए, थानेदार कर दे। एक सेकेंड दीपक पांड्या जी ने ये सुपर चैट भेजी है, थैंक यू दीपक जी, गिफ्ट फॉर वाइन फॉर मी टुनाइट। अच्छा मैं वो कुछ और उस पर खर्च कर लूंगी। मनीष ठाकुर जी कहते हैं, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद ही इंसान बनेगा, इंसान बन जाए यही बड़ी बात है, बस हम यही चाहते हैं। जी कंटिन्यू गाइस। इसमें इसमें जहां तक आप बात करते हैं अमेरिका की, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जहां पे भी आपको ढील देगा, जहां पे भी इन्फ्लुएंस चलेंगे, अमेरिका में भी आप देखें अभी ये अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक पीपल हैं उनकी मूवमेंट चली है, आपको पुलिस की इनजस्टिस की वहां पे भी कार्रवाइयां नजर आई हैं। इस तरह आपको बहुत सारे दूसरे वेस्टर्न ममालिक में नहीं नजर आएगी इस तरह की इतनी डिस्क्रिमिनेशन, ब्लेटेंट ओपन डिस्क्रिमिनेशन जितनी वहां पे हुई है। तो जहां पे भी इस तरह के वाकयात मिलेंगे, गेटोज मिलेंगे, ड्रग्स चल रही होंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कहीं ना कहीं लोगों को फील कर रहा होगा, वहां पे आपको इस तरह के वाकयात ज्यादा मिलेंगे। इसमें मैंने जैसे पहले कहा, इंडिया पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक हो जाए, ये केसेस आप देखिएगा कितनी तेजी से नीचे आएंगे। हमारे यहाँ ना तो हमारे यहाँ यही हमारे मसले मसाइल हैं, और अगर दूसरी जगहों पे भी आप जहाँ पे देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई कमी जरूर होगी जो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। थैंक यू अमित तिवारी, कह रहे हैं फॉर ब्यूटीफुल एंड कोरेजियस महलीज, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू अमित जी। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, देखिए हमने नहीं कहा कि कैनेडा परफेक्ट है या वेस्ट परफेक्ट है, परफेक्ट कोई जगह नहीं है, प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं, माना हमने, मगर मैंने खुद यहाँ पे फैमिलीज को देखा है, मेरी खुद की फैमिलीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगी, वो अपने बच्चों को लड़कियों को पाकिस्तान में नहीं रखना चाहती है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इंडिया में नहीं रहना चाहती, वो यहाँ रहती हैं, यहाँ का माहौल ही डिफरेंट है, यहाँ पर बंदी जो पहन के चाहे बाहर निकल जाती है, पाकिस्तान में वो घर तक छोड़कर आते हैं। आप चाहे बुरका ही क्यों ना पहनी हुई हो, ये तो मैं खुद चेक कर चुकी हूँ, मैं ऐसे आंखों में मैं पूरा निकाब करके जाती थी, तो वो ऐसे आंखों को भी घूर रहे होते थे। ये कंफर्ट जो यहाँ पर है वो हमको पता है क्योंकि हम वो महसूस कर सकते हैं। क्या यहाँ रेप नहीं होते? होते हैं यहाँ पर, जिनसी जाती होती है बच्चों के साथ, हाँ होती है यहाँ पर भी, मगर मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि यहाँ पे अगर बच्चा किसी का भी मिसिंग हो जाता है तो फौरन के फौरन हमारे फोन जो है ना पागलों की तरह उस पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, रेडियो पे अलार्म होना शुरू हो जाता है, टीवी पे अलार्म आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम एक बना हुआ है। आप साफ पानी की बात हुई तो मैंने माना कि हाँ कनाडा में चंद एरिया है जहां पे आज तक भी साफ पानी नहीं आ रहा है, और हम लोग उसको ये नहीं कहते कि देखो वहां भी तो नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा है और अभी तक क्यों नहीं किया, हम तो खुद कहते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है मोमिन्स को $10 million है जिन्होंने वो टेररिस्ट को दे दिए, उमर खादर को जो एक टेररिस्ट था उसको $10 million दे दिए हमारे, तो आप उससे पानी नहीं खा रहा सीधे, हम लोग तो यहाँ तनकीद करते हैं इनको, मगर हम ये नहीं कहते कि देखो नहीं हम नहीं तनकीद करेंगे वहां भी तो हो रहा है। कोई जगह परफेक्ट नहीं है रहने के लिए, क्राइम हर जगह हो रहा है, चाहे कहीं जगह कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है, मगर एज अ वुमेन We know better कि हमारे लिए कौन सी जगह ज्यादा सेफ है। मैं एक औरत होने के नाते मुझे पता है कि मेरी बेटी को मैंने किस इलाके में लेके जाना है, कहाँ मैं लेके जाऊंगी, कहाँ वो सेफ होगी, ये डिसीजन मेकिंग मर्दों की है ही नहीं। आप लोग इसको महसूस तब करोगे जब आप एक औरत बन के बाहर निकलोगे। औरत को तो छोड़ो, आप देख लो ना बेचारे ट्रांसजेंडर होते हैं उनका क्या हाल कर देते हैं, उनको नहीं छोड़ते। रात को आप निकलो जरा जमजमा की तरफ, कराची उस तरफ देखो, वहां पे कितने बुरा हाल किया हुआ होता है लोगों ने, क्या क्या नहीं कर रहे होते हैं। तो वी आर नॉट सेइंग कि कनाडा या यूएस है, यूएस में क्राइम ज्यादा है कनाडा से, मगर यूएस में रहते भी तो कितने किस्म के लोग हैं, यूएस में यूएस में जितने क्राइम्स है सब एशियन माइग्रेंट्स है, ज्यादातर एशियन भी नहीं, मेक्सिकन्स भी बहुत है, स्पेनिश भी बहुत है, अफ्रीकन भी बहुत हैं। अब हमारी जो बोलते रहते हैं ना ये लोग, अफ्रीकन भी बहुत बोलते हैं, ये है वो है, ब्लैक ऑन ब्लैक क्राइम ज्यादा है वहां पर, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। हाँ अगर गोरा कोई कर देता है तो उसके बारे में फौरन बोल लेते हैं। जो ब्लैक कम्युनिटी है उनके अंदर क्राइम बहुत है क्योंकि पॉवर्टी है वहां पर, राइट, तो उसके भी बहुत सारे कॉजेज आ जाते हैं। अब उनकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए, जैसे मैंने कहा था स्वीडन में अफगानियों की पॉपुलेशन होगी 5%, मगर 50% रेप्स जिनसी जाति वो कर रहे हैं। सेम थिंग पॉपुलेशन अगर ब्लैक्स की 20% ले लो,
50% या 40% क्राइम वो कर रहे होंगे, तो आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से आप कितना क्राइम करो ये भी देखो। मैं ये नहीं कह रही कि गोरे दूध के धुले में, ये जितने सीरियल किलर्स और जितने भी जिंसी ज्यादती के केसेस आए हैं, जो बहुत ही यानी जिनको आप कहोगे जिनको रैकेट में डाला है, पॉल बर्नार्डो ले लो और एक और वो भी था टेड बंडी ले लो, ये सारे जो थे ये गोरे ही थे। टेड बंडी तो कितना, टेड बंडी इज लाइक इसको तो आप पढ़ो उसके बारे में, तो वो तो गोरा था, उसके पास एजुकेशन थी, वो फुली एजुकेटेड था, वो बंदा खूबसूरत देखने में, उसके ऊपर लड़कियां ने अपने आप को फेंक देती थी और उसने कितनी लड़कियों को मार दिया और कितने बुरे तरीके से मारा उसने। जी आप बोले। मैं कुछ कह सकता हूँ? जी बोले बोले जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो आपसे सवाल किया था, लेकिन शायद चले मैं अब आपको बताता हूँ कि सलूशन क्या है। आपने अपनी बात कर ली, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नूर मुकद्दम की बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त की फर्स्ट कज़न थी। मुकद्दम फैमिली जो है ये इंडिया में एक इलाका है कोकन, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनमें दो तीन जातें होती हैं, कुहारी, मुकद्दम, देशमुख। इसका प्रॉब्लम ये था कि ये जो लड़का था ये पहले कोक और अल्कोहल यूज़ किया करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता था। जब ये पाकिस्तान आया तो इसने ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। नूर उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और बल्कि वो उससे शादी करना चाहती थी, और वो इससे इसलिए दूर हो गई क्योंकि इसने जो ड्रग थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ करना शुरू कर दी। इसने जो इसको अपने घर पे बुलाया ये दोस्तों के कहने पे कि मैंने अब वो ड्रग्स छोड़ दी हैं, मैं अब बिल्कुल सोबर हो गया हूँ, अब तुम मुझसे आओ बात करो और मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, तुमको बाहर लेके जाना चाहता हूँ। ये उसका सब डिकॉय था। ये लड़का जो है हाई ड्रग्स के ऊपर रहता था हर वक्त। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, दो तीन वजूहात होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है मेंटल इलनेस, नंबर टू होती है आपके रोजगार के मौके कम, आपकी एनवायरनमेंट आपकी बहुत प्रेशर वाली हो तो आप इस किस्म का एग्रेशन कहीं पे उतारते हैं, वो मारने पीटने की बात हो, वो रेप की हो, वो किसी हो। तीसरी चीज है ड्रग्स और शराब। आपको शायद अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ज्यादा तर वुमेन्स के ऊपर जो वायलेंस होता है, यहाँ के देहातों में गांव में बहुत फ्रीली ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत सस्ती, यानी आप यूं समझें कि 100 रुपीस के अंदर आपको हेरोइन की एक पूड़ी मिल जाती है, आपको 200 रुपीस के अंदर एक चरस की पूरी पैकेट मिल जाता है, और कच्ची शराब यहाँ पे बहुत आम बनाई जाती है, और वो देहातों के अंदर आम सेलफीन की थैलियों के अंदर सप्लाई की जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर ये जो वायलेंस होता है अब, और अमेरिका हो कोई और जगह हो, इसमें बहुत ज़्यादा वजूहात मेंटल इलनेस होती है, नंबर टू सोशल प्रेशर्स होते हैं, नंबर तीन जो है ये चीज़ होती है, और किसी चीज़ का इससे ताल्लुक नहीं है, मेरा ये ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चले थैंक यू सो मच नवीद अफजल जी। मैं थैंक यू सो मच। मैं एग्री करती हूँ कि ड्रग्स और अल्कोहल इजीली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, ये तो मैं भी देख चुकी हूँ, और जितना क्योंकि वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है तो लोग उसको ऐसे करते हैं कि जैसे कल मिलेगा ही नहीं, जैसे खाना खाते हैं ना या कल खाने को नहीं मिलेगा, इसी तरह से वो ड्रग्स और अल्कोहल को भी वहाँ यूज करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। अंडर एज बच्चा भी जाते हैं ना वहाँ पे, अल्कोहल खरीद सकता है, सिगरेट खरीद सकता है, ड्रग्स खरीद सकता है, वहाँ पे कोई कंट्रोल सिस्टम, अगेन लॉ ऑर्डर बात आ जाती है उसकी, मगर नहीं उनकी बात मैं एग्री करती हूँ कि ये चीज है, और यहाँ पर है मेंटल इश्यूज होते हैं जिनको वो करते हैं, मगर एट द सेम टाइम जो थोड़पना है ना, चंद लोगों के अंदर थोड़पना होता है, they just want something, इनको नहीं मिल रहा होता है, वो तो है हमारे देशियों में। यार माली, आपको जो दिन ब दिन रोज हर रोज दिन में शाम में रात में जब आप बाहर निकलते हैं लोग आपको हाथ लगाते हैं, मतलब आपके साथ हरासा करते हैं, वो ड्रग्स पे थोड़ी होते हैं, वो नशा करके थोड़ी देर में घूम रहे होते हैं। यू कांट जस्ट पुट इट ऑन ड्रग्स एंड अल्कोहल, नो नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नो, आई एग्री विद हिम कि ड्रग्स वहां पे कितनी इजीली अवेलेबल है, आई एग्री विद हिम, बट सो इज इट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड।
जो दूसरे नहीं नहीं ममालिक हैं। राजा, यू नो इन इन है मगर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक 15 साल का बच्चा जो आके ना अल्कोहल नहीं खरीद सकता है। पाकिस्तान में कोई एज की नहीं है, 15 साल का बच्चा है वो सिगरेट भी पी लेगा, वो अल्कोहल भी पी लेगा, यू नो सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन देयर। मगर मैं खुद देखा है ना कि शराब पी के ऑब्वियसली लोग अपना वो हो जाते हैं, मगर हर कोई जो सारी सोसाइटी कर रही है ऑब्वियसली देयर नॉट ड्रंक 24/7। यहाँ पर जो है इट इज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू देम, इट इज सो मच डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग बसों में चढ़े, हम सबवे में चढ़ते हैं, खचा खच भरे हुए होते हैं, मगर मजा ले कोई आपको हाथ लगा ले गलत तरीके से, यार मानीज, नेवर। आई हैव ऑल्सो सीन ये, जब यहाँ पे यूरोप में फुटबॉल का सीजन होता है, पीपल आर ड्रंक एंड दे आर फॉलिंग ओवर, मगर हर एक को फिर भी किसी ना किसी हद तक अपनी लिमिट पता होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपने नशा कर लिया है तो आप किसी औरत के साथ जो कुछ हाँ मर्जी कर लें, आप किसी के नहीं, साथ भी कुछ कर लें, ये दिस इज रॉन्ग। तो क्लब्स में यहाँ पे क्या होता है, ड्रिंकिंग ही हो रही होती है, और हालांकि लड़के लड़कियां और लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़ों में होती हैं वहां पे कौन से रेप हो रहे होते हैं, आई मीन एजेंसी जाती होती है एक्चुअली वहां पे कौन हाथ पहले लगाते रेप हैं। का जो रेप के पीछे जो रेप करने का जो रीजन होता है वो भी तो पता चलना चाहिए। जैसे ये अभी सर बोल के गए जिंसी थे ये जाती यूट्यूब को ये जिंसी आ रही ज्यादसी। थी। ओके हाँ ओके 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 जिंसी जिंसी व्हाट डू यू कॉल जिंसी ज्यादसी। वेरी गुड, ज्यादती, जिंसी ज्यादती, ज्यादा जिंसी ज्यादती। हाँ तो यही जो आप बता रही है उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। जैसे अभी सर बोल के गए थे कि इन 10 कंट्रीज का इन्होंने नाम लिया था। अब जैसे अमेरिका में भी बताते हैं सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं, तो भाई वो सबसे ज्यादा रेप मतलब वो एजेंसी ज्यादती वो रिकॉर्डेड है। वो इंडिया में तो जितने होते हैं वो अगर 100 होता है तो 100 में से एक का रिपोर्ट होता है वो तो। और उसके बाद जो सोसाइट जो उसका फिजिकल तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद जो सोशल उसका जो एजेंसी ज्यादती जो आप बता रही जो होती है वो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि पूरा समाज उसको बहुत गंदी नजर से देखता है। फिर शी हैज नथिंग लेफ्ट बट टू सुसाइड। हाँ ऑनर, फिर उसमें ऑनर आ जाता है ना कि उसकी इज्जत लुट गई। ये जो बात है ना इज्जत लुट गई, ये आया कहाँ से ये टर्म कि इज्जत लुट गई। भाई क्यों इज्जत लुट गई, जिसने किया उसकी नहीं, उसकी इज्जत लुटनी चाहिए भाई जो इसने किया है, जिस बंदी के साथ ऑलरेडी टॉर्चर हुआ है उसकी क्या इज्जत लुट गई। इज्जत हमारी सबके बस टांगों के बीच में ही रह गई है, और वो भी सारा ऑनर सारे मर्द का हमारे शोल्डर्स पे डाल दिया। फैमिली की नाक कटा दी, फैमिली की इज्जत लुट गई क्योंकि बच्ची रेप हो गया। यार ये चीजें सिक माइंडसेट है, ये चेंज करना माइंडसेट, पड़ेगा। सिक माइंडसेट, सिक जी माइंडसेट है, ये ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है। अब नाइजीरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलता है बोको हराम, वो तो खुलेआम रेप करते हैं वो तो सिटीज पे, जो वो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हराम, ये तो खुलेआम ये हाँ जहां पाते हैं वहां पे ये लोग शुरू हो जाते हैं। जितना सुनने में हाँ आता है पूरा हेल है वो तो उस कंट्री को बना रखा है। भाई ये मोमिनीन्स की तो अलग ही बात है ना, इनके उसमें तो कंसेंट है ही नहीं, इनके और उसमें तो मैं गवर्नमेंट बताता की हूँ भी इजाजत है, इनकी तो एक्सक्यूजेस और यस भी आ जाती हैं। वी कैन डिनाई दैट, और हम डिनाई करते भी नहीं है उसको। चले विशाल जी, और कुछ और आप कोई पूछना एक चाहेंगे? लास्ट चीज और बताता हूँ कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है। कि एक बार आईपीएल का मैच हुआ था, एक क्या कहते हैं एक जगह है उत्तर प्रदेश, एक स्टेट है, वहां पे एक सिटी है कानपुर। मैं गया नहीं कभी, मैंने सुना है मतलब काफी बैकवर्ड लोग रहते हैं वो, मतलब बात करना भी उनको नहीं आता है। तो वहां पे आईपीएल का मैच हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वही एक मतलब क्रिकेट स्टेडियम है शायद पूरे यूपी में या शायद लखनऊ में। तो वहां पे एक बार आईपीएल का मैच हुआ था, तो आईपीएल के मैच में तो आपको मालूम ही है जो चीयर गर्ल्स होती हैं वो हर बाउंड्री पे या मतलब विकेट पे या 6 या 4 पे मतलब चीयर गर्ल्स पिंग पोंग लेके वो डांस करती हैं। तो हुआ क्या था, और ये मतलब बहुत पहले की बात है, और इसका मतलब उसका बकायदा न्यूज़पेपर में भी तब वो छपा था और इवन वीडियो तक आया था उसका। तो वीडियो भी मेरे पास है नहीं वरना मैं शेयर करता। वो बंदा क्या बोल रहा था कि हम लोग मैच देखने नहीं आए थे, हम लोग चीयर गर्ल्स का डांस देखने आए थे जो शॉर्ट्स हाँ पहन के। ये यहाँ है पर माइंड। भी, अरे भाई यहाँ पे भी देसी जो बिकिनी यहाँ जाते हैं बीच पे, वो पूरे कपड़े पहन के जाते हैं, पूरे रनर्स वगैरह पहन के, और ताड़ने जाते हैं सिर्फ। उन्होंने कौन सा पानी में जाना होता, ताड़ने जा रहे होते हैं वो वहां पर। दे डू इट हियर टू। मेरी जो इतनी गोरी दोस्त है ना, मुझसे पूछनी थी कि ये इनको क्या प्रॉब्लम है देसी मर्दों को, ये इतना घूरते क्यों है, ये क्यों आकर हमसे आते साथ ही ना वो अप्रोच करते हैं, और डू यू वांट टू हैव सेक्स। वो कहती है इनको क्या है, इनको मिलता नहीं है क्या, वो मुझसे गोरियां पूछती है क्वेश्चन। मैंने कहा मैं क्या समझाऊं तुम लोगों को, इट्स आउट ऑफ माय, मेरी खुद नहीं समझ में आता। मैं तो उनको यही बोल देती हूँ इनका कल्चर ऐसा है, दैट्स हाउ दे आर। चलें, थैंक यू विशाल जी, बहुत अच्छा लगा ओके सर, थैंक आपसे। यू। ओके ओके मैम, थैंक यू।